अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं दो मुतग़ैरी खत्ती मसावाते। आइए मशक सेट 5.1 शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक दिया गया है आपके सामने। सवाल नंबर एक दिया गया है कि मुतग़ैर एक्स और वाई का इस्तेमाल करके 5 दो मुतग़ैरी खत्ती मसावाते। देखिए देखिए, ये सवाल खुले सिरे का सवाल है। इस सवाल के कई सारे हल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक पेश करती हूँ, x जमा वाई बराबर 5, x जमा 2y बराबर 0 ले सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने दिल से अलग अलग मिसालें भी ले सकते हैं, जैसे 3x जमा 7y बराबर 14। आप चाहें तो इससे इसके अलावा मज़ीद और मिसालें भी ले सकते हैं। बकिया दो मिसालें आप तैयार कीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर दो इस तरीके से है, x जमा वाई बराबर 7, इस मसावत के 5 हल लिखिए। ये सवाल भी खुले सिरे का सवाल है। पहले सवाल की तरह यहाँ पर हम इसके बहुत सारे हल ले सकते हैं, जैसे 3 जमा 4 बराबर 7 हो सकता है, 2 जमा 5 बराबर 7 हो सकता है, या 6 जमा 1। इस तरीके से हम बहुत सारे हल लिख सकते हैं। आप मज़ीद दो हल मालूम कीजिए। यहाँ पर 3.4, 2.5, 6.1, इस तरह से हम कई सारे हल यहाँ पर महसूब कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। मंदरजा झील हमजाद मसावत हल कीजिए। हमने जो ऊपर दो तरीके पढ़े, आइए हम उन पर मबनी सवाल हल करते हैं। पहली मिसाल आपके सामने दी गई है, दो मसावतें दी गई आपके पास, x जमा वाई बराबर 4 और 2x नफी 5y बराबर 1। इन्हें हम हल किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम दी गई मसावतें लिख लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर मैं यकसा ज़रीब का तरीका इस्तेमाल करूँगी। तो जो पहली मसावत दी गई है, हम इसको 5 से ज़रब करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मुतग़य्यर वाई को खारिज करने वाले हैं। ठीक है, हम 5 से मसावत को ज़रब करते हैं तो मसावत तब्दील होकर मिल जाएंगी हमको 5x जमा 5y बराबर 20। हम इसके नीचे दूसरी मसावत लिख लेते हैं, 2x नफी 5y बराबर 1। अब यहाँ पर y का ज़रीब दोनों तरफ मतजाद अदद हो गया है, जमा 5 और नफी 5। हम यहाँ पर इनकी जमा कर लेते हैं। जमा करेंगे तब तो जमा के 5y नफी के 5y यहाँ पर खारिज हो जाएंगे और हमको मिलेगा 7x बराबर 21। इस तरीके से x की कीमत मिल जाएगी हमको x बराबर 3। अब x बराबर 3 हम दी हुई कोई भी एक मसावत में रखकर y की कीमत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए मैंने मसावत ली x जमा y बराबर 4। यहाँ पर x की कीमत रखने पर मसावत तब्दील हो जाएंगी 3 जमा y बराबर 4 और आसानी से हम y की कीमत निकाल सकते हैं, y बराबर 1। इस तरीके से हमको यहाँ पर हल मिल गया x और y बराबर 3.1। आइए हम सवाल नंबर दो हल करते हैं, 2x जमा वाई बराबर 5 और 3x नफी वाई बराबर 5। सबसे पहले हमें मसावत लेना है। पहली मसावत है हमारे पास 2x जमा वाई बराबर 5 और दूसरी मसावत लेनी है 3x नफी वाई बराबर 5। यहाँ पर हम किसी एक मसावत से y की कीमत मालूम कर देते हैं। गलत कीजिए, मैंने पहली मसावत 2x जमा वाई बराबर 5, यहाँ से मैं y की कीमत मालूम कर देती हूँ। y बराबर क्या जाएगा हमारे पास 5 नफी 2x। ठीक है, मैंने इसको जाहिर करने के लिए अलग रंग का इस्तेमाल किया है। अब हम पहली मसावत ले लेते हैं 3x नफी y बराबर 5। यहाँ पर y की कीमत हम ऊपर वाली यानी कि 5 नफी 2x ये रखेंगे, तो मसावत आ जाएगी हमारे पास 3x नफी, मैं cos भी लिखा है मैंने ताकि आपको ही समझ में आ जाए आसानी से, 5 नफी 2x बराबर 5। अब ये मसावत दो मुतग़य्यर खत्ती मसावत से एक मुतग़य्यर खत्ती मसावत में तब्दील हो गई है, जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। 3x नफी 5 जमा 2x बराबर 5, मैंने cos लिखा है। यहाँ पर स्टैंड करने पर हमको मिलेगा 5x बराबर 10 और आसानी से हम x की मसावत कर सकते हैं, कि x बराबर यहाँ पर आएगा 10/5 / 2। इस तरीके से हमारा पहला मुतग़य्यर निकल गया। अब हम x की कीमत y बराबर हमको मिलेगा
तरीके से हमको हल मिला है, x की बताई है 2 और y की बताई है 1। तो यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पर इखराज यानी हमने y को पहले करके x मालूम किए, उसके बाद y की कीमत कैसे। ठीक है, इसी तरीके से आप बकले के साले भी हल करने की कोशिश कीजिए और अपने असातिज़ा से चेक कर